मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर इन दिनों तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कयासों का बाजार गर्म है। हल्ला है कि हिटमैन अगले सीजन मुंबई इंडियंस छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बीते कुछ घंटों में एक के बाद एक ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिसमें फैंस को रोहित शर्मा और केकेआर फ्रेंचाइजी के बीच कुछ पकने का आभास हो रहा है। दरअसल बीती शाम केकेआर के सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जो वायरल होते ही डिलीट भी कर दिया गया। इस छोटी सी क्लिप में रोहित शर्मा और केकेआर के कोचिंग स्टाफ के सीनियर मेंबर अभिषेक नायर के बीच मुंबई इंडियंस कैंप को लेकर बातचीत हो रही है। इसके कुछ घंटों बाद रोहित शर्मा को ईडन गार्डन्स में बारिश के दौरान केकेआर के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए देखा जा सकता है। दरअसल शनिवार रात कोलकाता और मुंबई के बीच आईपीएल 2024 मैच में बारिश के चलते देरी हुई। कोलकाता में लगातार बारिश के बीच फैंस मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा की केकेआर के ड्रेसिंग रूम में मौजूदगी के लाइव विजुअल्स दिखा दिए। उन्हें कुछ प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए देखा गया है, जिसमें सहायक कोच अभिषेक नायर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण के अलावा के एस भरत और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी शामिल थे। वहीं इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से जिस वायरल वीडियो को डिलीट किया गया उसमें हिटमैन कहते हुए सुनाई देते हैं, एक एक चीज़ बदल रही है, वो उनके ऊपर है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, जो है वो मेरा घर है भाई, वो मंदिर है जो मैंने बनवाया है, मेरा क्या है, मेरा तो लास्ट है। हालांकि वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसलिए कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बवाल मचता देख केकेआर को कुछ ही देर में वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तब तक सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे डाउनलोड कर लिया और फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि क्या रोहित शर्मा अगले सीजन में केकेआर के साथ जुड़ना जा रहे हैं। आपको बता दें कि खुद रोहित शर्मा एक बार केकेआर में जाने की इच्छा जता चुके हैं। 2018 में नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में रोहित ने केकेआर को लेकर बड़ी बात कही थी। अपार्ट फ्रॉम मुंबई इंडियंस, व्हिच आईपीएल टीम वुड यू लाइक टू कैप्टन? Eden Garden is my favorite ground. Okay. So and lot has happened at Eden Garden for me. So I would say KKR. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और KKR के बॉलिंग कोच रह चुके वसीम अकरम ने भी रोहित शर्मा को KKR से जुड़ने की इच्छा जताई थी। वसीम अकरम ने कहा था, मुझे लगता है कि वो अगले सीजन मुंबई इंडियंस में नहीं होंगे, मैं उन्हें KKR में देखना पसंद करूंगा। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा क्या फैसला लेते हैं, क्या ये वाकई मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का आखिरी साल है या फिर ये सारी बातें सिर्फ कहने और सुनने की है, ये तो वक्त ही बताएगा।